हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे क्रिएनल नर्व्स के बारे में क्रियनल नर्व नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐसी नर्व uh, जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं या ब्रेन के अंदर इंटर करती हैं इन नर्व्स को हम क्रेनल नर्व कहते हैं जो ब्रेन से ऑरिजिनेट होंगी ये मोटर नेचर की होंगी जबकि जो ब्रेन के अंदर इंटर करेंगी ये सेंसरी नेचर की होंगी तो मीन्स जो क्रेनल नर्व हैं ये मोटर और सेंसरी होती हैं या फिर uh,

डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियन नहीं होगी उन्हें हम एमनियोट्स कहेंगे इसमें फिसेज एंड एम्फीबियंस आएंगे इनमें क्रेनियल नर्व की संख्या टेन पेयर रहेगी तो हमने बात करनी है मेमल्स की क्रेनल नर्व के बारे में और ये जो क्रेनल नर्व है ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आता है जबकि ब्रेन से निकलने वाली नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स पेरिफेरल नर्व सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आज हम ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व के बारे में बात कर रहे हैं मैमल्स में इन क्रेनियल नर्व की संख्या ट्वेल्व पेयर है और इनको एक सिक्वेंस में ही हमने याद करना पड़ेगा तो सिक्वेंस पहली जो क्रेनल नर्व है ये ऑल्फेक्ट्री है जो ऑल्फेक्शन स्मेल से रिलेटेड है दूसरी क्रेनियल नर्व का नाम ऑप्टिक है जो विजन से रिलेटेड है तीसरी ऑक्यरोमोटर और चौथी ट्रोक्लियर ोटर एंड ट्रोक्लियर ये आईबॉल के मूवमेंट से रिलेटेड है पांचवी है ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सबसे बड़ी क्रेनिनल नर्व है तीन ब्रांचेज होती हैं ट्राइजेमिनल की इसके बाद जो छठी क्रेनल नर्व है एबड्यूसेंस एबडूस है ये भी आईबॉल के मूवमेंट से रिलेटेड है नेक्स्ट फेसियल क्रेन नर्व है फेसियल क्रेन नर्व एक मिक्स तरह की क्रियल नर्व है आठवां जो पेयर है वो ऑडिटरी है जो वॉइस रिलेटेड है वॉइस के रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड है नवा पेयर ग्लोसोफेरेंजियल और दसवां पेयर है वेगस वेगस सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी है तो वेगस इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व ग्यारहवीं इलेवंथ है स्पाइनल एसेसरी एसेसरी नर्व और ट्वेल्थ है हाइपोग्लोसल तो इस तरह से ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व ह्यूमन की बॉडी में पाया जाता है या में में पाए जाते हैं अब इसमें से कौन सी सेंसरी है कौन सी मोटर है कौन सी मृत्यु है ये तो क्वेश्चन को, तो uh, को लेकर जा रही है कहां तक ब्रेन तक है ना आउटर जो स्मेल सेंस ऑफ स्मेल को लेकर जाएगी दैट इज ऑल्फैक्ट्री और जो ब्रेन तक ले जा रही है वो सेंसरी होती है ये हम जानते हैं ऑप्टिक जो सेंस ऑफ विजन को ब्रेन तक लेकर जाएगी वो ऑप्टिक कहलाएगी इधर गलत लिखा हुआ है ये ना मोटर नहीं है बल्कि ये कैसी है आपकी सेंसरी क्रिमिनल नर्व है ऑप्टिक भी सेंसरी क्रिमिनल नर्व है तीसरी है ऑक्यूलो जो आईबॉल के मूवमेंट से रिलेटेड है और चौथी है ट्रोकलियर ये भी आईबॉल के मूवमेंट से रिलेटेड है और दोनों ही नर्व मोटर मोटर नेचर की हैं पांचवी क्रेनल नर्व ट्राइजिनल जो मिक्स्ड है छठी एबड्यूसेंस ये मोटर फेसियल सातवीं मिक्स्ड ऑडिटरी जो सेंस ऑफ हेयरिंग को ले जाएगी ब्रेन तक और ये सेंसरी नेचर की होगी मिक्स्ड वेगस नर्व भी मिक्स्ड है और इधर स्पाइनल मोटर न्यूरॉन है और हाइपोग्लोसल भी मोटर न्यूरॉन है ये दोनों तो न्यूरॉन ऐसे हैं जो नेक से नीचे के रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्पाइनल जो न्यूरोन है ये नर्व है ये नेक की मूवमेंट से रिलेटेड रहेगी और हाइपोग्लोसल हाइपोग्लोसल टंग टंग के मूवमेंट से रिलेटेड रहती है ये स्पीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो अब इनको याद कैसे करें तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है इससे हम इसको याद कर सकते हैं एक सिंपल सी लाइन आपने याद करनी है सम से सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग बुक्स मैटर मोर ठीक है देखो सम का एस एस फॉर सेंसरी से में एस एस सेंसरी एम फॉर मोटर हेयर एम फॉर मोटर बट जहां वो बी आएगा उसका अर्थ हो जाएगा बोथ ठीक है तो आप हम लेंगे एस से सेंसरी एम का हम लेंगे मोटर और जहां को बी शब्द आएगा उसका अर्थ हो जाएगा बोथ बोथ मींस मिक्सड न्यूरोन है जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों ही नेचर पाए जाएंगे तो सम से मनी मैटर बट बट बी फॉर मिक्सड माई मोटर ब्रदर मिक्सड से सेंसरी हो गई बी बिग बिग का बी तो बोथ बोथ मीन मिक्सड बुक्स बी मिक्सड मैटर का एम मोटर हो जाएगी और मोर का एम मोटर तो इस तरह से हम इन इन नाव को याद कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा इनका सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे टेंथ क्रेन कौन सी है तो उसका तो वेगस ही है उसका आंसर वेगस होगा यही यही हमने याद करना पड़ेगा और वेगस क्रेनर्व सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है और सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल तीन ब्रांचेज है ट्राइजेमिनल की ट्राइजेमिनल की तीन ब्रांच तीन ब्रांचेज हैं पहली ब्रांच इसकी ऑप्थेलमिक है ऑप्थेलमिक जो आपका हमारा जो फोरहेड है अपर आईलिड्स है यहां पर रहेगी दूसरी मैग्जिलरी मैग्जिलरी मींस जो आपका लोअर अपर जॉ है अपर जॉ है ट्राइजेमिनल की तीन ब्रांच एक ऑपथेलमिक दूसरी है मैग्जिलरी जो अपर जो में रहेगी और तीसरी है मैंडिबुलर ये लोअर जो में रहेगी और ये जो हमारे टीथ हैं टीथ को भी नर्व सप्लाई मैग्जिलरी और मैंडिबुलर के थ्रू ही होती है इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नर्व है ऑडिटरी इसको हम वेस्टिबुलर कॉकलियर नाउ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी भी दो ब्रांच होती है एक होती है वेस्टिब्युलर ब्रांच जो इक्वलिब्रियम और बैलेंस को मेंटेन करती है हमारी बॉडी जब हम चलते हैं तो हम एक बैलेंस पोजीशन में चलते हैं ना उस बैलेंस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आ, तो इसकी वेस्टिबुलर ब्रांच रिस्पॉन्सिबल रहेगी ऑडिटरी की और कॉक्लियर कॉक्लियर ब्रांच कॉक्लियर जो ब्रांच है इसकी वो हेयरिंग रिस्पॉन्सिबल रहेगी तो इस नर्व को हम वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के नाम से भी जानते हैं इसकी दो ब्रांचें हैं वेस्टिबुलर वेस्टिब्युलर नर्व वेस्टिब्युलर ब्रांच और दूसरी कॉकलियर ब्रांच वेस्टिबुलर ब्रांच रिस्पॉन्सिबल रहती है मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम और जो कॉकलियर ब्रांच है ये हेयरिंग से रिलेटेड है इसके अलावा ग्लोसोफेरज की बात करें तो ग्लोसोफेन के ये टंग के पोस्टेरियर पार्ट में रिस्पॉन्सिवर रहेगी और टंग के मूवमेंट में थोड़ा हेल्प करती है, है। वेगस ये लॉन्गेस्ट नर्व है लॉन्गेस्ट नर्व है और वेगस ही ऐसी नर्व है जो नेक रीजन को क्रॉस करती है और नेक रीजन को क्रॉस करके बॉडी के ऑर्गेन्स जैसे लैरिंग्स है लंग्स है लीवर है स्टमक है इंटेस्टाइन है हार्ट है यहां तक पहुंचती है तो वेगस इज द लॉन्गेस्ट नर्व इट क्रॉस द नेक रीजन ये हमारे गर्दन वाले रीजन को क्रॉस करेगी और हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे लीवर है लंग्स हैं हार्ट है इन रीजन तक ये पहुंचेगी स्पाइनल नेक के मूवमेंट से रिलेटेड है और हाइपोग्लोसल ये स्पीच में इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है टंग की मूवमेंट में हेल्प करती है और फैलोइंग सेलोइंग मतलब जब हम फूड को निकलते हैं तो फूड के निकलने में क्या करेगी हेल्प करेगी और कौन सी सेंसरी है कौन सी मोटर है इसके लिए मैंने बता दिया आपको सम से मनी मैटर बट माय ब्रदर से बिग बुक्स मोर एस फॉर सेंसरी एम फॉर मोटर एंड बी फॉर बोथ बोथ मींस जो मिक्स्ड और बोथ मींस मिक्स्ड जो सेंसरी और मोटर दोनों के फंक्शन को परफॉर्म करेगी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेकर भी जाएगी और इंफॉर्मेशन को ब्रेन से अदर uh, ऑर्गेन तक भी लाएगी थैंक यू